राजस्थान में चढ़ते पारे के साथ सियासत भी तेज होती जा रही है। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या मामले ने अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो वहीं कांग्रेस भाजपा को इस मामले में लपेट रही है। इसी बीच पुलिस के आला अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र गोठवाल और एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है, जबकि लालसोट पहुंचे चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ना कांग्रेस के और ना ही भाजपा के, वे तो लफंडर हैं। हमने डॉक्टर अर्चना के रूप में एक हीरा खो दिया है। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। दोषी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा वातावरण पैदा किया और पुलिस अधिकारी भी इसमें दोषी है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि डॉक्टर के खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, तो पुलिस अधिकारी को ये तो इतना तो ज्ञान ही होना चाहिए कि 302 में ना करें। अगर 302 में मुकदमा दर्ज नहीं होता तो शायद वो डॉक्टर सुसाइड नहीं करता। इसलिए इस चीज़ में जहाँ भी जिसकी भी गलती रही है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिविजनल कमिश्नर की चेयरमैनशिप में कमेटी बना दी, वो जाँच करके कि किस चीज़ का कहाँ कहाँ पर लेकुना रहा उसकी जांच करके सीएम को रिपोर्ट देंगे, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर इसमें एक सब आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनका सब वीडियो है, कैमरे की रिपोर्ट है, सारी वीडियो वगैरह बनाए, जो भी लोग हैं जिन्होंने इस तरह का अनुचित दबाव डाला वो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसमें प्राइवेट जो डॉक्टर हो चाहे सरकारी डॉक्टर हो, अगर उनके खिलाफ ऐसा व्यवहार होगा तो कौन काम करेगा, कौन पेशेंट का इलाज करेगा। 2008 में कानून बनाया था, ऑफेंडर जो भी इस तरह के हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का, उस कानून को हम वापस एक्टिवेट कर रहे हैं। और ये सीएम ने अभी ACS होम की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी रिपोर्ट देगी और हम क्या कर सकते हैं इनकी सुरक्षा के लिए, उस कानून को और कितना हम और कठोर बना सकते हैं जिससे किसी भी चिकित्सा सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो उनके खिलाफ इस तरह का वातावरण ना बने और उनके खिलाफ 100 रिपोर्ट होके नॉन वेलेबल ऑफेंस उनके खिलाफ बने। तो निश्चित रूप से जब तक हमारे प्रदेश में देश में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है उनके खिलाफ ऐसी घटनाएं होगी, तो निश्चित रूप से एक तरह से जो चिकित्सक काम करना चाहते हैं उसके काम में उसको बाधा आएगी। तो इसके लिए हम कड़ा कानून बनाने की कार्रवाई बहुत जल्दी करें। बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, कुछ ऑफेंडर लोग हैं जिनका ये धंधा है वो लोग करते हैं ना, बीजेपी का कोई इसमें आदमी इन्वॉल्व है ना, कोई ऑफेंडर लोग हैं उन्होंने एक कृत्य किया है, इनका वीडियो वगैरह जो भी है कोई बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, इस लालसोट की पूरी जनता का सवाल है। इस तरह की जो हमारा एक हीरा खो दिया हमने डॉक्टर के रूप में, उसकी क्षतिपूर्ति हमारी कभी होगी नहीं और आइंदा इस तरह की घटनाएं नहीं हो उस तरह इस कानून को और हम सख्त करेंगे। जिन लोगों ने ये घटना घटने के लिए जिन्होंने कृत्य किया है उन लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्दी उनका चालान करके उनको कठोर से कठोर जो भी कानून में 306 में प्रावधान है वो उस प्रावधान को लागू करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका चालान करवाएं, जिससे जल्दी से जल्दी इस पर एक डॉक्टरों में जो पुनः विश्वास आए कि सरकार हमारे साथ है, सरकार ने जो कानून बनाया वो हमारा रक्षा कवच। ये एक दलित की मौत के लिए सरकार से मुआवजा मांगा मैंने, प्रियंका गांधी की टिकट बनवाकर भेजी, मुझे लगता है सरकार ने उसका पनिशमेंट दिया है। डॉक्टर अर्चना की मृत्यु भी दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मेरे आने से पहले 302 में मुकदमा दर्ज हो चुका था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी को टिकट भेजने की पनिशमेंट है जो मिलनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा हर समाज के लिए लड़ता रहा हूँ, 36 कौम के लिए, और आगे भी इसी तरह लड़ता रहूँगा। पास इस तरह की कोई वीडियो पुलिस के पास हो कि मैंने उकसाने का काम किया है तो मैं जीवन में राजनीति छोड़ दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के दबाव में पुलिस ने षड्यंत्र बनाया है और अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी से वाई लूटने के लिए मुझे लपेटा है, लेकिन मैं जनता के लिए लड़ता रहूँगा। 36 कौम की लड़ाई मैंने अब तक लड़ी और आगे भी लड़ता रहूँगा, और डॉक्टर के प्रति हमारी संवेदना है, नहीं होना चाहिए था जो भी घटना हुई।